हेलो फ्रेंड्स, पता है आज मैंने रियांश को पहली बार बिना पील किए हुए गाजर खिलाया। हम में से सब लोग जो हैं वेजिटेबल फ्रूट्स को कैसे से क्लीन करना है, उसके लिए कभी गर्म पानी यूज करना, नमक पानी में डालना। मैं तो हाफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर लेके उसमें भी सोक करके उसको वॉश करती थी ताकि उसमें जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाए। पर फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी कि आज मेरे पास ऐसा एक चीज आया है जिससे कि मैं अपने वेजिटेबल्स को, अपने फ्रूट्स को, अपने सीरियल्स को, राइस को बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि अब मैं बिना पील किए हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिला सकती हूँ और खा सकती हूँ। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए मेरे किचन में। फ्रेंड्स, ये है एम्वे होम का फ्रूट एंड वेजी वॉश जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। अब पूछेंगे व्हाई एम्वे, हो सकता है कि किसी और कंपनी का भी प्रोडक्ट मिलता हो, पर मैंने कभी सोचा नहीं उसे लेकर आऊं क्योंकि मुझे लगता था कि सफाई करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि मैं और कोई केमिकल अपने इन सारी चीजों में ऐड कर दूं। सो व्हाई एम्वे, बिकॉज मैंने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज किया है और उसने हमारे हेल्थ में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है। तो इफ दे आर सेइंग कि ये प्रोडक्ट है जो कि क्लीन करेगा और जो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, इतने रिसर्च के बाद उन्होंने किया होगा, तो डेफिनेटली भरोसा है। और उस भरोसे के कारण ही मैं इस प्रोडक्ट को आंख बंद करके यूज कर रही हूँ एंड डेफिनेटली मुझे पहली बार में ही बहुत बड़ा चेंज दिखा है। फ्रेंड्स, ये है मेरा वॉशिंग एरिया जहाँ पर कि मैं अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सोक करती हूँ, वॉश करती हूँ। तो ये हैमवे होम का है, इसमें आप देख रहे हो लिखा हुआ है रिमूव सरफेस जर्म्स, रिमूव सरफेस पेस्टिसाइड्स, रिमूव वैक्सेस, रिमूव सरफेस हैवी मेटल्स, डर्ट एंड डस्ट एंड लीव्स नो रेजिड्यू। और इसमें जो स्टैम्प है इसमें लिखा है कि ये क्लीनिंग एजेंट है विद नेचुरली डिराइव्ड पार्टिकल्स, राइट? तो 5-in-1 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनिंग सॉल्यूशन है ये। जैसा इसमें रेकमेंडेड है फ्रेंड्स, हम इसमें 1 लीटर में 5 ml डालेंगे। तो आपके सामने मैं अभी नाप के डाल रही हूँ, ये मैंने 2 लीटर पानी डाला और मैं जो इस बॉटल के साथ एक छोटा सा मेजरिंग कैप जो हमको मिला है 5 ml का है, तो इसके मैं 2 यहाँ पर डालूंगी बिकॉज मैंने 2 लीटर पानी डाला है। एंड उसमें फिर हमें 3 स्टेप हैं जो करना है यहाँ पर। इसे हमने पोर कर दिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और पोर करने के बाद अब इसमें हमारे जो भी वेजिटेबल्स हैं हम उसको सोक करेंगे 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं जो गाजर लेकर आई थी, ये गाजर और टोमेटो है, आप देख रहे हो, कैप्सिकम है, बीन्स है और थोड़ा सा सेम भी है, ये सब मैंने यहाँ पर डाल दिया। और जैसे कि आप देख रहे हो कि थोड़ा वेजिटेबल ज्यादा था तो इसलिए मैंने 1 लीटर पानी और एक ढक्कन और ऐड किया इसमें। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए सोक कर देंगे। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी बैक साइड में सारा डिटेल लिखा हुआ है इसे कैसे यूज करना है। एंड इम्पॉर्टेंट जो मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए वो ये है कि इट कंटेन्स नो एडेड एल्कोहल, क्लोरीन, बीच, आर्टिफिशियल कलर्स और एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट। नेचुरली डिराइव क्लींजिंग एजेंट है ये, रिमूव करता है सरफेस पेस्टिसाइड्स को सिग्निफिकेंटली बेटर देन वाटर वॉश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लैब टेस्टेड है अगेंस्ट 197 पेस्टिसाइड्स ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। तो फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग 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 प्रोडक्ट है, लैब टेस्टेड है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने देखा मैं इसे निकाल रही हूँ, मैं बीच में बात कर रही थी तब मैंने इसे बीच में रब भी किया। तो पहला स्टेप था हमारा पोर करना 1 लीटर में 5 ml एंड देन उसको 10 मिनट्स के लिए सोक करना और फिर हम उसे उसी सॉल्यूशन में रब करते हैं। और रब करने के बाद जब हम इसे निकालते हैं तो रनिंग वाटर में हम इसे 2-3 वॉश करते हैं
एंड नाउ दिस सरफेस, पूरा पूरा सरफेस से इसने क्या किया है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं और जो सरफेस में जर्म्स हैं, जो वैक्सेस हैं, डर्ट है, डस्ट है या हैवी मेटल्स हैं, उन सब के सब को इसने रिमूव कर दिया है। तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस अगर इसके उस सरफेस पे है तो वो भी हट गया होगा। एंड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल फूड सेफ्टी है, हाइजीनिक है और इसमें कोई भी एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट नहीं है। अमेजिंग है ना, आप देख रहे हो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया। अब मैंने ये बीन्स और सेम को निकाला है, इसे भी मैं उसी तरह से 2-3 वाटर से अच्छे से वॉश करूंगी और वॉश करने के बाद फिर मैं इसे रखूंगी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आपको डिफरेंस दिख रहा हो, देखिए कलर एकदम डिफरेंट है। सबसे ज्यादा चेंज जो है वो मुझे गाजर में लग रहा है और मुझे देख के ही लग रहा है कि यस मैं इसे बिना पील किए हुए खा सकती हूँ। टोमेटो आई डोंट नो कुछ था या नहीं, बट नाउ द कलर्स आर लुकिंग वेरी शाइनी और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस उसके सरफेस के सारे टॉक्सिसिटी जो है वो क्लीन हो गई है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर 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 ट्राई करें, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और आप इस एक बॉटल से 100 वॉशेस कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स का, अपने सीरियल्स का, अपने फ्रूट्स का जो भी आप लेकर आते हैं मार्केट से, और अपने फैमिली को एक बहुत ही अच्छा हेल्दी खाना परोस सकते हैं थाल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।